आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लजालू की चर्चा करेंगे। लजालू या लाजवंती माइमोसा पुडिका माइमोसासी फैमिली का प्लांट है। सुंदर फूल पिंक कलर के आप देख पा रहे होंगे साथियों। हम इसको लजालू किस लिए कहते हैं, मैं इसको स्पर्श करके बताता हूँ। आप देखिए, मैंने यहाँ टच किया और ये शाखा टच करने के बाद पत्तियाँ इसकी मुरझा जाती हैं, शर्म जैसे कि लाज आती है। इसी प्रकार से इसको हम उससे अगर कनेक्ट करें तो लजालू कहते हैं। पत्तियों को आप छूइए, ये बैंड हो जाती है। हमने इनको छुआ, ये बैंड हो गई। इधर छूइए, देखिए जैसे हम इनको छूते हैं और ये बैंड हो जाते हैं। देखिए, लजालू, इसलिए इसको लजालू कहा गया है। माइमोसा पुडिका माइमोसा सिकुल का ये प्लांट है। पूरा पंचांग इसका औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आता है। महिलाओं और पुरुषों उन दोनों की समस्याओं को निदान करता है। हार्मोन को हमारे रेगुलेट करके फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। मेल और फीमेल दोनों प्रकार के हार्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करता है। साथियों, इसके पत्र का पेस्ट बनाकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो त्वचा के ऊपर वाइट पैचेस दूर हो जाते हैं, जिसको हम ल्यूकोडर्मा कहते हैं। इसके बीज का पेस्ट बनाकर हम अप्लाई करते हैं तो सभी प्रकार के आर्थराइटिस की समस्या दूर हो जाती है। इसके बीज का चूर्ण बनाकर हम शहद मिलाकर सेवन करते हैं तो हार्मोन को रेगुलेट करने का कार्य करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। इसके पत्र को सुखाकर दूध के साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने का कार्य करता है, फर्टिलिटी को बढ़ाने का कार्य करता है। मित्रों, मिश्री मिलाकर इसके बीज का अगर सेवन किया जाए तो होने वाले शीघ्र पतन को दूर करता है। इसकी जड़ का आप सेवन करते हैं तो सभी प्रकार के होने वाले गर्भपात को ठीक करने का कार्य करता है, क्योंकि ये गर्भपात जो है वो जेनाइटल ऑर्गन्स की वीकनेस से जुड़ा हुआ हो, चाहे हार्मोन का लेवल पर्याप्त मात्रा में ना होने के कारण हो, चाहे पुराने कोई शरीर में विकार हों, उनको ठीक करते हुए 3 महीने के अंदर पूरी तरह से हीलिंग कर देता है। बार बार होने वाला जो गर्भपात है वो रुक जाता है, उसको ठीक कर देता है। आप इसको फिर समस्या से निजात पा सकते हैं। 3 महीने तक आप इसको सेवन कर सकते हैं। और अगर समस्या गंभीर हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप 20 ग्राम इसके बीज ले लीजिए और 20 ही ग्राम छाल लेकर, सैमल की छाल 20 ग्राम ले लीजिए और 5 ग्राम आपको फूल लेने हैं वुडफोर्ड या फ्रूटिकोसा धतकी के। इन सब का महीन चूर्ण बनाकर दूध के साथ आप सेवन कीजिए। सभी प्रकार की यूरिनोजेनाइटल डिसऑर्डर्स ठीक हो जाते हैं। स्टोन की समस्या हो वो भी ठीक हो जाती है। एमिनोरिया डिसमिनोरिया की समस्या हो वो भी ठीक हो जाती है। फर्टिलिटी का लेवल मेंटेन होता है वाया रेगुलेशन ऑफ हॉर्मोन्स। बहुत सेफली आप इनको उपयोग में ला सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट इसके नहीं होते हैं। सभी प्रकार के शरीर के विकार को दूर करते हुए, मिनरल्स की कमी को पूरा करते हुए, शरीर को पोषण देते हुए, बार बार होने वाले गर्भपात से बचाते हुए, आसानी से कंसीविंग कराता है। पुराने अगर कोई दोष हों, कोई समस्याएं हैं, वो भी दूर हो जाती हैं। मोटापे को कम करता है, आसानी से बीज के माध्यम से हो जाता है। पंचांग को आप सुखा कर पाउडर बनाकर कांच के बर्तन में रख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार काढ़ा बनाकर शहद मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी इसकी थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं। आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सभी सिस्टम्स में इसका उपयोग किया जाता है, औषधीय गुणों के लिए, औषधीय उपयोगों के लिए, त्वचा की समस्याओं को दूर करने के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की समस्या को दूर करने के लिए, एंडोक्राइन सिस्टम को रेगुलेट रखने के लिए। हर प्रकार से ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, बेटर है। लजालू आप देख रहे हैं, आप इसका पंचांग बनाकर रख लीजिए। रूट का, बीज का विशेष योग होता है जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रकार से दिया जाता है, इस बात का भी आप ध्यान रखिए। गमला में आप इसको लगा सकते हैं। सुंदर पिंक कलर के फूल आप देख पा रहे होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। ये जो जानकारी है इसको आप साझा कीजिए ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर भी है और हार्मोन रेगुलेटर भी है, क्योंकि हार्मोन रेगुलेट होने के बाद मित्रों शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है।
और हार्मोन अगर डिस्टर्ब हो तो आप किसी भी प्रकार का नेचुरल सप्लीमेंट खाइए, कोई कार्य नहीं करता है। मुख्यतः फीमेल डिसऑर्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ। पित्त का शमन करने वाला ये होता है, वंडरफुल प्लांट है। जानकारी को आप ज़रूर साझा करें, हो सके तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि नित्य सुबह 6:30 बजे आने वाली वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। इन्हीं बातों के साथ कल फिर मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।